लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह की विकास यात्रा लगातार जारी है। तो पदाधिकारियों के साथ मंच तक आने का कष्ट करें। श्री अनिल अग्रवाल जी अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी मंडल भाजपा गंडई, श्री इमरान खान उपाध्यक्ष एवं समस्त में नगर पंचायत जिला पंचायत सदस्य श्री खम्मन ताम्रकार उपाध्यक्ष एवं समस्त जनपद पंचायत सदस्य छुई खदान, श्रीमती मीरा वर्मा जनपद उपाध्यक्ष एवं समस्त जनपद पंचायत सदस्य खैरागढ़, श्री नवनीत जैन अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी युवा मोर्चा छुई खदान, श्री आशीष सिंह अध्यक्ष एवं प्रकाश सिंह उपाध्यक्ष समस्त पदाधिकारी युवा मोर्चा खैरागढ़, श्री राकेश ठाकुर अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी युवा मोर्चा गंडई, श्री कोमल वर्मा अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी युवा मोर्चा खैरागढ़ ग्रामीण, श्री बारेलाल पटेल अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी युवा मोर्चा सालेवारा, श्रीमती शशि जंगेल अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी महिला मोर्चा मंडल छुई खदान, श्रीमती नीलिमा गोस्वामी अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी महिला मोर्चा मंडल खैरागढ़ शहर, श्रीमती नेमबाई निर्मलकर अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी महिला मोर्चा मंडल गंडई, श्रीमती जानकी चंदेल अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी महिला मोर्चा मंडल सालेवारा, महिला मोर्चा मंडल खैरागढ़ ग्रामीण को भी मैं अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ आमंत्रित करता हूं। श्रीमती कारण चौरे छुई खदान, श्री राजकुमार जैन छुई खदान, श्री रावल कोचर छुई खदान, श्री प्रेम नारायण चंद्राकर छुई खदान, श्री गिरीश शर्मा छुई खदान, श्री योगेश्वर जंगेल छुई खदान, धनौराम जंगेल छुई खदान, किशुन चंद्राकर छुई खदान, कृष्णकांत महोविया छुई खदान, घसियाराम यादव छुई खदान, श्री आनंद सिन्हा छुई खदान, अनिल अग्रवाल खैरागढ़, अपुन टहनगुरिया खैरागढ़, राकेश गुप्ता खैरागढ़, तरुण सिंह खैरागढ़, राकेश ताम्रकार गंडई, निजाम मंडावी गंडई, जीवन रात्रे गंडई, पुष्पेंद्र देवांगन गंडई, उमाशंकर महोबिया गंडई, संजय अग्रवाल गंडई, राधे मोहन वैष्णव गंडई, रोहित जंगेल गंडई, श्री शेख निजामुद्दीन अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा छुई खदान, श्री आबिद मेमन जुबैर खान अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा खैरागढ़, श्री जावेद खान सालेवारा, श्री आसमीर खान अल्पसंख्यक मोर्चा सालेवारा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति किसान मोर्चा पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष एवं महामंत्री विधानसभा खैरागढ़, संगीता टेंबुलकर अध्यक्ष महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, किरण साहू जनपद अध्यक्ष डोंगरगांव, लोकेश्वरी जंगेल महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अचला ठाकुर, आप सभी से निवेदन कृपया मंच तक आने का कष्ट करें। करण भाई चौरे जिला मंत्री, दुर्गा देवी जानकी महिला मोर्चा अध्यक्ष, योगेश खत्री, अरुण शुक्ला चिराग, खिलेश्वर साहू, श्रीमती लिमेश्वरी साहू मंत्री जिला भाजपा राजनांदगांव, पत्रकार संघ की ओर से सज्जाद खान जी, अनिल त्रिपाठी जी, संजय शर्मा जी, दीपक देशमुख, दीपक जैन जी से निवेदन है कि वे आकर के डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। पत्रकार संघ की ओर से जनपद पंचायत छू खदान की ओर से ग्राम पंचायत सरपंच संडी खेलन वर्मा, प्रकाश जंगेल, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, ललित शर्मा जी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। किशुन यदु जी जिला महामंत्री युवा मोर्चा, राजेंद्र सिंह जी,
जनपद सदस्य भाई ललित चोपड़ा जी, प्यारा सिंह पोरते जी, सुरेंद्र जंघेल जी, विपिन तिवारी जी, शिव खदान, मुकेश वैष्णव जी, कार्तिक साहू जी, संतु धर्मगढ़े जी, चिंताराम साहू जी, विपिन तिवारी जी, शिव खदान, सुरेश साहू जी, सुखदेव पटेल जी, मंथीर पटेल जी, सुचरण पटेल जी, संतन साहू जी, किसान मोर्चा के मूलचंद और रविंद्र वैष्णव का नांगर भेंट करने का काम किसान मोर्चा के नांगर भेंट किसान मोर्चा के मूलचंद लोधी, किसान मोर्चा के श्री मूलचंद लोधी और रविंद्र वैष्णव पूरी टीम के साथ मंच तक आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को वो नागर भेंट करना चाहते हैं। मूलचंद लोधी जी, किसान मोर्चा के पदाधिकारी। युवा मोर्चा के कैलाश शर्मा जी से मेरा निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष जनपद पंचायत खैरागढ़ माननीय श्री विक्रांत सिंह जी से आपकी जोरदार तालियों के साथ उनके उद्बोधन के लिए। माननीय श्री विक्रांत सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस विकास यात्रा में आज हमारे इस छीखदान शहीद नगरी में हुआ है। एक बार जोरदार मेरे साथ नारेबाजी के माध्यम से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए, डॉक्टर अमन सिंह जिंदाबाद, दोनों हाथ उठाकर करिएगा। बोलिए, डॉक्टर अमन सिंह जिंदाबाद, अभिषेक सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकास यात्रा में पूरे इस खैरागढ़ विधानसभा में विकास के इतिहास को रचने वाले ऐसे विकास पुरुष हम सबके मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें। साथ में उपस्थित समस्त मंच, हम सबके लोकप्रिय सांसद भाई अभिषेक सिंह जी, इस यात्रा के प्रभारी खूबचंद पारक जी सहित, मैं माफी सहित समस्त मंच और यहां उपस्थित छीखदान और खैरागढ़ ब्लॉक से आए हुए हमारे तमाम ग्रामीण जन, मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने पिछले 14-15 वर्षों में इस पिछड़े खैरागढ़ विधानसभा को विकास के मामले में ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया है, चाहे हम छीखदान क्षेत्र की बात करें, चाहे हम गंडई क्षेत्र की बात करें,
चाहे हम सालेवारा वनांचल की बात करें या खैरागढ़ ब्लॉक की बात करें, कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास के मामले में कमी की हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सांसद जी का, जिन्होंने 4 साल के बहुत कम कार्यकाल में ही इस पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। हमने कभी सपने में इस बात की कल्पना नहीं की थी कि कुछ एक ऐसे काम जिन्होंने जिनका माननीय सांसद जी ने स्वीकृति दिलाई है। मैं माननीय सांसद जी को, अभिषेक सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बात को विराम करने के पहले केवल कुछ एक जो हमारे इस क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं उनकी बात करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय बहुत कम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज इस विकास यात्रा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से काम को लेकर किसी भी मामले में कमी नहीं हुई है। हमने खैरागढ़ में आईटीआई कॉलेज, खैर यहाँ छुई खदान में आईटीआई कॉलेज, हमारे किसानों को सुविधा मिले सिंचाई की, उसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से मुतेड़ा डायवर्शन और 40 करोड़ रुपए की लागत से छिंदारी बांध के नहर लाइनिंग का काम स्वीकृत डॉक्टर रमन सिंह जी और भाई अभिषेक सिंह जी ने किया है। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। वनांचल का क्षेत्र होता है, कभी हमने यह कल्पना नहीं की थी कि सालेवारा में कभी शासकीय महाविद्यालय खुल पाएगा, लेकिन उसके स्वीकृति देने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। हम धन्यवाद इस बात को लेकर देना चाहते हैं कि गंडई में अनुभागीय अधिकारी राजस्व का कार्यालय इन्होंने खोला। हम धन्यवाद इस बात को लेकर देना चाहते हैं कि गंडई में इन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस की बात घोषणा की। मैं धन्यवाद इस बात को लेकर छुईकदान के इस पावन मंच पर देना चाहता हूं कि हम कृषि आधारित होते हैं। हम हमारे जितने भी नौजवान युवक हैं वो आने वाले में अच्छी खेती किसानी कर सके, उसके लिए इस शहीद नगरी छुई खदान में कृषि महाविद्यालय की सौगात देने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी का ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, हमने सपना देखा था और हमारे कुछ बुजुर्ग जो किसी जमाने में जवान थे, उस जमाने से लेकर आज तक उनके जब बाल काले हुआ करते थे, आज बाल सफेद हो गए। उन्होंने सपना देखा था कि कभी हमारे क्षेत्र से रेलवे लाइन गुजर सके और उन्होंने लगभग हार मान ली थी। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे युवा सांसद भाई अभिषेक सिंह जी को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, जिन्होंने खैरागढ़, छुईकदान और गंडई होते हुए डोंगरगढ़ से बिलासपुर के लिए रेलवे लाइन की स्वीकृति दी है, उस सपने को साकार किया है। और एक बात आप सबको कहना चाहता हूं, बहुत जल्द उसका काम भी शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से वह भी एक ऐतिहासिक पल होगा जिस दिन इस क्षेत्र से रेलवे लाइन बहुत जल्दी गुजरेगी, वह भी विकास के लिए एक ऐतिहासिक समय होगा। मैं और बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आने वाले समय में इस बात का आह्वान आप सबसे करना चाहता हूं, इस बात का निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने खुले हाथों से पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, उनको आने वाले समय में भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। महिलाएं हमारे सामने बैठी हुई हैं, मैं महिला मन से पूछना चाहता हूं, आप मन खुद सोचो, विकास के मामला में कोई कमी नहीं रहे है। आप रोड नाली सड़क बिजली के काम देखत हो, लेकिन आप अपन स्वयं के भी चिंता करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के सरकार में केवल विकास के काम नहीं हो है, 14 साल पहले यही महिला मन केवल चौका में अपन जीवन ला समाप्त कर देते रहे हो। आपला पुरुष के साथ में बराबरी के अगर कोई अधिकार दे है, महिला मल्ला राशन कार्ड के माध्यम से मुखिया बने के कोई ताकत दे है, तब आज पुरुष के बराबर में अगर आए हो तो वो ताकत देने वाला कोई नहीं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पूरा कार्यक्रम ला जिन बहुत अच्छा ढंग से संपादित करी हमारे बड़े भैया राजेश मुणत जी ला धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार नारा के साथ में अपन बाड़ी ला विराम दूं। और मैं चाहूं जतका जन बैठे हो, अगर आपके आशीर्वाद डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ में है तो दोनों हाथ उठा के हम लज्जा जयकार कराना है। बोलो डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, अभिषेक सिंह जिंदाबाद, भारत माता के। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विक्रांत सिंह जी। अगले उद्बोधन के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन करूंगा पूर्व विधायक माननीय श्री कोमल जंघेल जी को। माननीय कोमल जंघेल जी, बोलो भारत माता की,
भारत माता की आज के विकास यात्रा के ये कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के युवा सांसद आदरणीय अभिषेक सिंह जी और मंच पर यहाँ पर हमारे जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय राजेश मृणत जी और क्षमा चाहते हुए मंच पर सभी हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी संगठन के हमारे पदाधिकारीगण कार्यकर्ता बंधु और दूर दूर से आए हुए सब हमारे सियान मन नौजवान साथी मन मोर माताओं बहनी मन और समस्त मीडिया के हमारे साथी मन, चूंकि आज विकास यात्रा हमारे छुई खदान में आए। अब यह छुई खदान एक शहीद नगरी के नाम से छत्तीसगढ़ में जाने जाते, जैन छुई खदान नगर के माटी में शहीद शब्द जुड़े हुए, शहीद के जो नाम है कहीं न कहीं शहीद मन यहाँ पर हमारे नगर के वासी मन अपन आप ला शहीद करके ये नगर के नाम ला शहीद नगरी के नाम से पूरा छत्तीसगढ़ में नाम रोशन करे। वो छत्तीसगढ़ के ये शहीद नगरी में हमार माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आए, ओकर नाम से आज आप मन जोरदार ताली और बजा के स्वागत और सम्मान करो। डॉक्टर रमन सिंह जी आज मंच में ये जगह में तीसरा बार आए और छुई खदान में तो कई बार आए, और छुई खदान और खैरागढ़ और गंडई क्षेत्र में जब वो सांसद हुआ करतरी से, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करतरी से, वो समय भी जब गाड़ी में जाए तो छुई खदान में बैठत जाए, गंडई में बैठत जाए, खैरागढ़ में रुकत जाए, लोगन मन से राम राम करत जाए, लोगन मन से नमस्कार करत जाए, ओकर से हाथ हिला धुआ जाए। वो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आप हमारे बीच में आए, वो नीचे से लेकर के आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है आज, वो मैं कहना चाहता हूँ जनता के सेवक के रूप में है। गरीब मन के दिल में बसे है, ओकर मन में प्रेम और स्नेह है, गरीब मन पर किसान मन पर सब पर ओकर दिल में बहुत बड़े स्थान है। एक एक चीज लगी ना बहुत समय लगी, लेकिन मैं बहुत छोटे छोटे बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब मतलब चावल नहीं मिला से, पेट के लिए पलायन होना पड़ा से, आज चावल की व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी करी। आज किसान मतलब मैं बताना चाहता हूँ, अभी पंडरिया में डॉक्टर रमन सिंह जी घोषणा करी जिन 1,00,000 रुपया किसान मल्ला जिन छूट देते थे बिजली में, वो थोड़ा से बीच में रुके हुए रिसे बोला फिर से स्वीकृति करके डॉक्टर रमन सिंह जी आज किसानों के लिए बहुत बड़े काम करे हैं। किसान मल्ला अगर बिजली लगाना है, खंभा लगाना है, तार लगाना है, ट्यूबवेल में बिजली लगना है, तो 1,00,000 रुपया छूट डॉक्टर रमन सिंह जी फिर से दे। ये 14 साल के बेमिसाल कार्यकाल के बहुत बड़े प्रतीक है। और बिजली के बारे में तो मैं बता नहीं सकूं, अधिक ज्यादा व्यवस्था छत्तीसगढ़ के छुई खदान में करे, चाहे 132 केवी के बात हो, चाहे 33 केवी के बात हो, अनेक प्रकार के बिजली के क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह जी काम करे। स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, आपने देखा तो सालेवाला क्षेत्र में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, मैदानी क्षेत्र में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी और कॉलेज की व्यवस्था आज सालेवारा में करे। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के बहुत बड़े योगदान है। मैं जबका भी तारीफ करूं वो कम है, जबका भी बात लोकर बताऊं वो कम है। बहुत सारा 14 साल के जो चमत्कारिक जिन कभी कल्पना नहीं कर रहे थे 60 साल के कार्यकाल में, और डॉक्टर रमन सिंह जी 14.5 साल में करके दिखाए। छुई खदान क्षेत्र के तस्वीर बदले है, खैरागढ़ क्षेत्र के और विकास के स्वरूप बदले है। सालेवाला क्षेत्र में रहने वाले हमारे वनवासी भाई मन के, जंगल में रहने वाले भाई मन के जिंदगी में एक नया रोशन आए, वो डॉक्टर रमन सिंह जी के विकास के सबसे बड़े प्रतीक है। मैं बहुत सारा बात में नहीं जाना चाहूं, सियान मल्ला चाहे तीर्थ लेके के बात हो, एक महात्मन देखा तो आज सियान मन तीर्थ यात्रा कर करके आवा थे। हमारे गरीब लड़की मन के शादी ला डॉक्टर रमन सिंह जी अपन बेटी मान के उकर शादी ला करते, ये भी बहुत बड़े बात है। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े काम डॉक्टर रमन सिंह जी 14.5 साल में करके दिखाए। हम जीवन भर होकर रेडी रिबो, जीवन भर होकर सदा गुण लगाबो, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार बने हैं जल इतिहास में लिखे जाए, भारत देश में पूरे हिंदुस्तान में ये पहली मुख्यमंत्री है जिन गरीब से लेकर के सब वर्ग के लिए योजना चला है। मैं भी एक छोटे सा आदमी हूँ, एक किसान आदमी हूँ, गिरघोली में रीतो
वहां पर डॉक्टर रमन सिंह जी वहां लाज जात रहा है। जब सांसद रही तो भी आए, भारतीय जनता पार्टी जब मंत्री रहा है तो भी आए, गिर भोली से निकाल के विधायक बना दी। ये डॉक्टर रमन सिंह जी के बहुत बड़े योगदान है, ये क्षेत्र के किसान मन के सम्मान है, हमारे समाज के सम्मान है, गांव में रहने वालों के सम्मान है। मैं जिंदगी में कल्पना नहीं कर रहा कि कोमल जंगल विधायक बन जाए, मैं जिंदगी में कल्पना नहीं कर रहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य संसदीय सचिव बन जाऊं। ये संसदीय सचिव के दर्जा देखे, छत्तीसगढ़ में छुई खदान ब्लॉक के खैरागढ़ विकासखंड के सालेवारा के सम्मान बढ़ाने वाला कौन है? अपन नाम लेके बोलो, डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह जी करे है, और आज डॉक्टर रमन सिंह हमारे बीच में बैठे हैं। हम गदगद हन, हम बहुत ओकर से प्रेम करते हैं, ये क्षेत्र के जनता ओकर से प्रेम करते, ओकर से बहुत लगाव है। जब भी डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम आते तो मन में बहुत बड़े ओकर प्रति भाव पैदा होते। रमन सिंह जी आज हमारे बीच में आए, विकास यात्रा ला लेके प्रगति जन हो है, वो बात बताई रेल लाइन के बाद। अभी सांसद महोदय के बारे में बताई, कभी हम सोचे नहीं रहना जाते के बाद में कि हमारे क्षेत्र में रेल भी दौड़ी। आज रेल दौड़ने वाला है, गांव गांव में सड़क बन गए है, गांव गांव में बिजली लग गए है, गरीब मन घर में बिजली लग गए है, आवास बना दे प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से, हमारे बहनी मन पर गैस चूल्हा दे गए है ताकि ओकर मन के आंख में कोई प्रकार के तकलीफ मत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हम धन्यवाद देते हैं। आवाज के अवसर में मुला यहाँ पर बोले के अवसर दिस, यहाँ अपन के बीच में अपन के दर्शन करे के अवसर प्राप्त हो, एक धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर रमन सिंह जिला विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपके कृपा आपके आशीर्वाद छुई खदान खैरागढ़ गंडई सालेवारा ये क्षेत्र के 350 गांव के ऊपर सदा इसने आशीर्वाद बने रहे ताकि ये क्षेत्र की जनता आपके प्रति सदा लगाव रखे, आपका सदा आशीर्वाद देता है। यहाँ के सियान मन सदा आशीर्वाद दी, हमारे बहनी मन सदा आशीर्वाद दी, नौजवान मन आपने बहुत बड़े आशीर्वाद दी, सदा आप आशीर्वाद दी, और सदा आप राजनीतिक क्षितिज में पूरा हिंदुस्तान में आपके नाम सदा जगमगात रही। यही अपेक्षा के साथ में अपन बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री कोमल जंगेल जी। अगले उद्बोधन के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें लोकप्रिय सांसद माननीय अभिषेक सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके बहुत बड़े सौभाग्य के बात है कि छुई खदान में एक ऐतिहासिक सभा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन अपन माननीय मुख्यमंत्री जी के करथन। और ऐतिहासिक स्वागत एकर से थी कि छुई खदान क्षेत्र हो, चाहे गंडई क्षेत्र हो, चाहे खैरागढ़ क्षेत्र हो, लगातार एक के बाद एक ऐसन ऐसन मांग ऐसन ऐसन सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे है जेखर 50 साल से ये क्षेत्र के जनता ला, 70 साल से ये क्षेत्र के जनता ला इंतजार रही। कैसे पहले यदि हम बात करें बकरकट्टा से लेकर छुई खदान के सड़क जो ना सिर्फ छुई खदान के लिए आवश्यक छे बल्कि हमारे पूरा वनांचल क्षेत्र के एक एक गांव एक एक हमारे वनवासी मन के लिए आवश्यक है। 50 करोड़ के स्वीकृति आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी मंत्री जी के आशीर्वाद से मिले है। जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओखर अलावा लगातार इस क्षेत्र में चाहे सिंचाई के सुविधा के विस्तार के लिए मुतेड़ा जलाशय के 25 करोड़ के स्वीकृति, छिंदारी से 40 करोड़ के स्वीकृति, एकर अलावा वनांचल क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, बिजली के सुविधा के विस्तार के लिए पहली मेटामा एक सब स्टेशन, झूरा नदी लीमो उदयपुर बुंदेली और एकर अलावा अन्य क्षेत्र में एक एक गांव में एक एक घर में बिजली पहुंचाए के व्यवस्था हो थे। और छुई खदान के एक ऐसन मांग जेकर कल्पना छुई खदान के जनता ला भी नहीं रही, वो मांग पूरा हो सकत है, वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकत है। ये सोच के छुई खदान के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपन क्षेत्र के किसान मन के चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखें कि हमारे छुई खदान क्षेत्र में एक कृषि के महाविद्यालय होना चाहिए। मात्र 3 महीना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 50 साल से जेखर रास्ता पूरा क्षेत्र के जनता देखत रही
ऐसन कृषि महाविद्यालय के स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी करिस, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करथन। मोला अच्छा से याद है कांग्रेसी मन, जब एक बार धान के फसल के कटाई के बाद धान खरीदी के व्यवस्था के शुरुआत हुई, गांव गांव में जाकर कांग्रेसी मन के कई बार भ्रम फैलाए के काम करें, अपन धान ला नहीं बेचना है, कबर सूखा राहत नहीं मिली, फसल बीमा नहीं मिली। मोला ये बतात हुए खुशी होते कि हमर पूरा नांदगांव जिला मा प्रदेश के कोनो जिला से ज्यादा सूखा राहत 130 करोड़ रुपया के सूखा राहत किसान मनला मिले है। औ फसल बीमा के यदि हम बात करें तो आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई जिला ला कभी अतेक बीमा नहीं मिलिस। किसान मन से मात्र 16 करोड़ के राशि प्रीमियम के रूप में ले गए है। वो 16 करोड़ के प्रीमियम के एवज में हमर जिला में 400 करोड़ रुपया के बीमा किसान मनला मिले है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन करथन। भविष्य में रेलवे लाइन के परियोजना के शुरुआत और अनेक ऐसे ऐतिहासिक सौगात आज दे है। मैं अपन उद्बोधन आज बिल्कुल लंबा नहीं खींचना चाहूं। मोला उम्मीद है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और आपके बात सुने पर एक 50,000 से ऊपर के संख्या में जनसैलाब मौजूद है। मैं एक बार सबसे निवेदन करूं, अपन अपन सीट से खड़ा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एक बार अपन अपन सीट से खड़ा होकर दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सब एक मत से होकर स्वागत के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अभिषेक सिंह जी। शब्दों में हो दम इतना कि आह निकलनी चाहिए, शब्दों में हो दम इतना कि आह निकलनी चाहिए, दुश्मनी की रंजिशों की दीवार सिमटनी चाहिए, खुदी हो बुलंद इतनी कि बाधाएं पिघलनी चाहिए, मन में कुछ भी ठान लो तकदीर बदलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर को बदल के रख देने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को। आज विकास यात्रा के 12 तारीख से जिसको प्रारंभ करके दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके आज 30 तारीख को छुई खदान आया हूं। आते ही मैंने पता लगाया, खूब चंद जी बता रहे थे कितना टेम्परेचर है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर में आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर निकलता है तो डोकरी दाई गोंदली देते, झांझ लग जाही, लूह लग जाही, घर ले बाहर मत निकल। मगर इतने लू धूप 45-46 डिग्री में मैंने अपने जीवन में श्री खदान में बहुत सारी सभाएं की, बड़ी से बड़ी सभाएं की, बड़ा से बड़ा आयोजन देखा। मगर आपने नया इतिहास आज रख दिया है, इतिहास को तोड़ कर रख दिया है। 50,000 से ज्यादा की संख्या, टेम्परेचर भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और खैरागढ़ और छुई खदान की जनता भी रिकॉर्ड को तोड़ने में लगी हुई है। विकास यात्रा में इतना चार्ज भीड़, इतने उत्साहित लोग, युवा मोर्चा अपने कुर्सी में ना बैठ के 2 फीट ऊपर उछल रहे हैं, ऐसा उत्साह। युवा मोर्चा 4-5 हजार की संख्या में गांव गांव से महिला मोर्चा की बहनें निकली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गांव गांव से जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, ये छुई खदान और इस विकास यात्रा के इस पड़ाव में जब मैं आया हूं, मुझे लगता है ये छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, कवर्धा से लेकर राजनांदगांव तक की यात्रा, मुझे ख्याल आता है 90 में विधायक था, उसके पहले संगठन में पदाधिकारी था, जीप से इस यात्रा में जाता था, एक एक गांव में बैठते हुए, एक एक घर में चाय पीते हुए, छुई खदान में तो खैरागढ़ के उपचुनाव में आप लोग भी 1 महीना लगातार काटने का अवसर मिला, 1 महीना लगातार उपचुनाव में, एक एक गांव के लोगों से सीधा संबंध, सीधा संपर्क,
और आज मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, ये विकास यात्रा छत्तीसगढ़ के 14 साल 15 साल के इस विकास की यात्रा है। किसानों के लिए 1700 करोड़ बोनस बांटने निकला हूं, 700 करोड़ तेंदुपत्ता के हमारे बोनस बांटने में होने वाला है, राशि का वितरण हम करने वाले हैं, बीमा की राशि का वितरण करने वाले हैं, 30,000 करोड़ के ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का काम में ये यात्रा में है। मगर उसके बाद भी हमारे कांग्रेस के मित्र इस विकास यात्रा में उड़ते हुए जनसैलाब को देखकर हतप्रत हैं। उनके भी विकास यात्रा के विरोध में दिल्ली से बुलाए थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाए थे, उन्होंने भी रोड शो किया, विकास को ढूंढने के लिए रोड शो किया, 200, 400, 500 लोगों को। मैं उनको कहता हूं यदि विकास देखना है तो राहुल गांधी जी को ले आए, राजनांदगांव से लेकर छोई खदान की यात्रा करा ले, ये भीड़ दिखा दे, ये जन सैलाब दिखा दे क्या है भारतीय जनता पार्टी। विकास ढूंढने वालों को, कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि भैया 1700 करोड़ बोनस देने हम निकले हैं, आपको विकास विरोध करते हो, यदि विरोध करते हो विकास यात्रा का, तो मैंने कहा भैया 1700 करोड़ का बोनस जब बांटेंगे तो कांग्रेस के लोगों को भी बोनस मिलेगा। आप लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे किसान बंधु आज अभी बटन दबा के पूरा का पूरा बोनस आपके खाते में चला जाएगा, फसल का बोनस की राशि, फसल का बीमा बोनस की राशि यहां का 83 करोड़ रुपया और यहां की 24 करोड़ का खाते में आपके एक मिनट में चला जाएगा। आप घर पहुंचोगे नहीं, आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा 24 करोड़ और पूरे जिले में 86 करोड़। मगर कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, विरोध करते हैं विकास यात्रा का मगर बोनस लेने में आप पीछे रहोगे, कल सबसे पहले बोनस वो लेके खर्चा कर देंगे, ये कांग्रेसिया होशियारी दे। भाजपा वाले तो इंतजार करोगे मगर वो सब चीज का विरोध करते हैं, सबका उपयोग भी वही काम करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विकास यात्रा विश्वास की यात्रा है। ये यात्रा आपने जो विश्वास प्रकट किया 15 साल, उस विश्वास की यात्रा है। और जब दंतेवाड़ा से शुरू करके छुई खदान तक आया हूं, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके आपके जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने आए हूं, तो इस यात्रा को मैं तीर्थ यात्रा के बराबर पवित्र मानता हूं, ये तीर्थ यात्रा के समान यात्रा। गांव गरीब और किसानों के लिए योजना, ये कांग्रेस के मित्र, उनसे मैं पूछना चाहता हूं इस विकास यात्रा में 50,000 लोगों की गवाही में कि भैया विरोध तो तुम करते हो, मोदी जी का विरोध करते हो, डॉक्टर रमन का विरोध करते हो, मगर ये तो बता दो कि 60 साल 65 साल तुमने राज किया, 60 65 साल राज करने के बाद क्या तुमने कभी छुई खदान के लोगों को, गंडई के लोगों को, खैरागढ़ के लोगों को, सालेवारा के लोगों को कभी 1 रुपया किलो चावल कभी कांग्रेस ने 60 साल में दिया था? कांग्रेस ने क्या 60 साल में नहीं दिया था तो नहीं दिया बोले, दिया था तो बोलिए दिया था। क्या 60 साल में कांग्रेस ने गरीबों के लिए कभी 1 रुपया किलो चावल दिया था? पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे, मेरे को समझ में नहीं आता, उनको मिलता रहा होगा। क्या कांग्रेस ने कभी 1 रुपया किलो चावल 60 साल में दिया था? क्या कांग्रेस के मित्रों ने 60 साल में गरीबों के इलाज के लिए 1,000, 2,000, 5,000 के भी बीमा या योजना चालू की थी? आज 50,000 का बीमा का, 50,000 का स्मार्ट कार्ड छत्तीसगढ़ के 55 लाख लोगों को बना है। यहां जितने लोग मेरे आए हैं भाई बंधु, सबके कार्ड एक बार सब बता दें, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 50,000 का
स्वास्थ्य का कार्ड मिलता है। दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को कार्ड बना है, पीछे वाले भी इधर वाले। ये कांग्रेस के मित्र देख लें, ये है विकास। एक रुपए किलो चावल, 50,000 की इलाज की व्यवस्था और प्रधानमंत्री जी की योजना का विस्तार कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना में 80,000 से ज्यादा बहनों को दिया गया है गैस सिलेंडर चूल्हा 200 रुपया में। सौभाग्य योजना में गांव गांव में बिजली कनेक्शन। छुई खदान के लोग, खैरागढ़ के लोग, गंडई के लोग सुन लें, अभी भी जिस गांव में बिजली नहीं गया है, जिसके घर में बिजली नहीं पहुंचा है, आने वाले 4 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ के छुई खदान के एक एक गांव में, एक एक घर में 100% बिजली पहुंच जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं किसी घर में अंधेरा नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना और उस योजना का क्रियान्वयन, आज मैं जिस योजना के लिए आया हूं, छत्तीसगढ़ के छुई खदान क्षेत्र के प्रधान पाट बैराज 59 करोड़ का लोकार्पण, पिपरिया जलाशय 39 करोड़, कवर्धा पौड़ी मार्ग 13 करोड़, खैरागढ़ बाईपास 31 करोड़, छुई खदान कुमरवाड़ा पकरकट्टा 25 करोड़, फसल बीमा योजना आज जिसका वितरण हो रहा है, सूखा राहत आबादी पट्टा आज 27,000 लोगों का वितरण हो रहा है, और स्मार्ट कार्ड के वितरण के साथ साथ छुई खदान ने बहुत संघर्ष किया। छुई खदान बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहा, उपेक्षित रहा, वर्षों से इसकी उपेक्षा होती रही। महाराज वही छुई खदान विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जितने काम मैंने देखा, जितने विकास के काम देखा, जितने सड़कों का जाल बिछने का काम हुआ, छुई खदान अब विकसित, पुराना गौरवशाली छुई खदान वापस अपनी स्थिति में आने की स्थिति में है। मुझे इस बात की खुशी है, सांसद के प्रयास से, अभिषेक के प्रयास से एक ऐतिहासिक काम राजनांदगांव लोकसभा को मिला, और वो रेलवे का विस्तार मैं भी नहीं सोचता था, उस काम को करने का श्रेय जाता है अभिषेक सिंह को, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा। एक नया इतिहास इस लोकसभा में, इतनी लंबी रेलवे लाइन का विस्तार, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ये सब साबित हुआ। मुझे आज खुशी है कि यहाँ एक नए बड़ी योजना, आप लोग आए थे मेरे पास पूरे छुई खदान वाले, 100 लोगों का डेलीगेशन मंच में बैठे हुए, सभी लोग इधर जो बैठे हैं सामने नेता, और उन्होंने कहा कि हमारे वर्षों की पीड़ा है। मैं कहा बताओ भैया, छुई खदान की पीड़ा कैसे दूर होगी? सबने कहा एक काम कर दीजिए, छुई खदान का मान सम्मान और गौरव बढ़ जाएगा, क्योंकि छुई खदान मान सम्मान और गौरव के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार रहता है, ऐसा छुई खदान, शहीदों की नगरी छुई खदान। मैंने कहा बोलिए छुई खदान वाले क्या चाहते हो? बोले एक मांग है। मैं कहा क्या है भैया? बोले कृषि महाविद्यालय दे दो आप। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि छुई खदान में मैं कैसे खोलूंगा, मगर अंत में आपकी इच्छा शक्ति की जीत हुई और कृषि महाविद्यालय छुई खदान में खुलना पड़ा। यह आप सबके लिए, प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू की, उन सारी योजनाओं को मैं गिनाने की जरूरत नहीं समझता। मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारी महिलाओं के लिए इस सड़कों का जाल बिछाने का काम, जिसके बारे में अभी बता रहे थे हमारे सभी साथी जो मंच में बैठे हैं, दो चीज अभी हमने अभी और किया जिसके बारे में बताना भूल गए थे, कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के लिए पंप के कनेक्शन देना शुरू किए। 1 लाख की सब्सिडी पहले दी जाती थी 6-8 महीने से, किसानों को 1 लाख रुपया की सब्सिडी हमने बंद कर दिया। 2 दिन पहले हमने किसानों को फिर से 5 हॉर्स पावर और उससे ऊपर के लिए 1 लाख रुपया उसके लिए सब्सिडी फिर से वापस कर दिया है। 5 हॉर्स पावर के अतिरिक्त पंप उसके लिए भी फ्लैट रेट की स्वीकृति आपको दी है। 2 बड़ी योजना को आपको बताना चाहूंगा, जो आज युवा बैठे हैं, हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी योजना हम लेके आ रहे हैं, जिसमें गांव गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे। इस 21वीं सदी का
वो दौर जब आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी मिले, स्काई योजना के तहत हम एक बड़ी योजना लेके आ रहे हैं, आने वाले समय में 50 लाख लोगों को स्मार्टफोन का वितरण भी हम करने वाले हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने मेरी माता और बहनें बैठी हैं, इन सब के हाथ में अगली बार आऊंगा तो सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा और छुई खदान से बैठ के मुख्यमंत्री को हेलो हेलो कर सकते हो, बात कर सकते हो, ये सुविधा। ऐसा स्मार्टफोन जिसमें एप्लीकेशन रहेगा, ऐसा ऐप रहेगा कि आप अलग अलग योजनाओं को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस यात्रा को शुरू करने के पहले प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, मैंने बताया था छुई खदान खैरागढ़ गंडई के लोगों की समस्या, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्या। मैंने कहा कि हम 50,000 तक इलाज के लिए पैसा तो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उपयोग तो करते हैं, मगर किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, रात को 12 बजे हमारे जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं आते हैं और बोलते हैं संजीवनी से शिथिल करके हमें पैसा दे दीजिए, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख में देता हूं, मगर मैं जानता हूं उसके बाद भी उस आदमी का मकान बिक जाता है, गरीब बिक जाता है, घर बिक जाता है, मगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती, पूरा का पूरा व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। उनके लिए एक योजना लेके प्रधानमंत्री जी से बात की और प्रधानमंत्री जी ने कहा चिंता मत करो, विकास यात्रा में यदि निकले हो तो वहां जाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को मेरा संदेश बता देना, अब 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत में होने वाला है, 5 लाख रुपया। एक बार मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आयुष्मान भारत 37 लाख परिवारों के लिए, 37 लाख परिवार, एक मेरे मित्र पूछ रहे थे छुई खदान की सभा में, मैं वो किस्सा बताना चाहता हूं। दिल्ली में मुझे पूछा कि चावल के क्या महत्व है, 1 रुपया किलो चावल क्यों देते हो, मैंने कहा गरीबों की भूख, गरीबों का जो प्यास, उसकी तुलना दुनिया में किसी नहीं हो सकती। मैं छुई खदान में वो किस्सा बताना चाहता हूं जिसकी वजह से 1 रुपया किलो चावल की योजना दिमाग में मस्तिष्क में आया। एक बहुत पुराना किस्सा है, महाभारत समाप्त हो गया था, युधिष्ठिर बैठे थे, यज्ञ करा रहे थे, बड़े बड़े यज्ञ कराए, दान पुण्य किया, यज्ञ के राख वहां पड़ा हुआ था। एक नेवला आता है जिसका आधा शरीर सोने का रहता है और आधा शरीर उसका नेवले जैसे रहता है, यज्ञ के उस राख में वो नेवला लपटता जाता है। युधिष्ठिर पूछता है कि नेवला तुम इस यज्ञ की राख में क्यों लपट रहे हो, नेवला ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर एक कथा बताता हूं सुनिए। सारे सभासद बैठ गए, नेवला ने कहा एक बहुत गरीब व्यक्ति था, बुजुर्ग था, उसके बेटे थे, अकाल की स्थिति पड़ी, अकाल में किसी को खाना नहीं मिलता, उसको एक मुट्ठी चावल मिल गया, उसने रात में खाना बनाया, बुजुर्ग पहले बुजुर्ग ने अपना चावल उसको दे दिया, उसको उसने खाया, बोले मेरी भूख खत्म नहीं हुई, फिर उसकी पत्नी वृद्धा ने उसको चावल दिया, उसके बाद फिर उसका बेटा बोलता है कि दीदी तुम्हारी भूख समाप्त नहीं हुई, मेरा भी ले लो, और अंत में उसकी बहू भी अपना हिस्से का चावल देती है, चारों का चावल खा के वो संतुष्ट होके जाता है। इस वृद्ध के पास खाने को कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गिलास पानी पी के वो सो जाते हैं, मगर उसमें से कुछ चावल का टुकड़ा बच जाता है जिसको फेंकते हैं बाहर। नेवला बोलता है मैं उस चावल में अचानक गिर जाता हूं तो चावल के टुकड़े मेरे शरीर में जहां जहां पड़े उसका पुण्य प्रताप इतना था कि उतना हिस्सा सोने का हो गया। और बोले धर्मराज युधिष्ठिर तुमने इतने बड़े महाभारत को युद्ध किया, इतने बड़े बड़े यज्ञ किया, इस सभी यज्ञों से बड़ा यज्ञ उस बुजुर्ग का मुझे एक भरपेट खाना खिलाने का था, उसने उसको चावल खिला दिया भरपेट, तो आपके सारे यज्ञों से बड़ा काम था कि मेरा शरीर सोने का हो गया। इसलिए धर्मराज जी
यज्ञ नहीं बड़े बड़े करने की जरूरत है, गरीब भूखे को खाना खिलाने की जरूरत है, उसको यदि भूखे की तृप्ति मिलती है उससे बड़ा दुनिया में कोई यज्ञ नहीं हो सकता। आज यदि 55 लाख लोगों को संतुष्टि होती है, मुझे लगता है एक महायज्ञ है जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है। और आज मुझे लगता है 2003, 8 और 13 में आपका समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिला। इस विकास यात्रा में 30,000 करोड़ के काम का भूमि पूजन शिलान्यास एक तरफ है, मैं इस यात्रा में आया हूं आपके दरवाजे में। मैंने 25-30 साल की राजनीति में भी जो भी काम किया, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। सुई गदान की जनता को लगता होगा कि मुख्यमंत्री क्या मांगने आए। मैंने दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर निकला हूं, छुई खदान की जनता से सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं। दोनों हाथ उठा के हमारी माता बहने बुजुर्ग, एक बार आपका आशीर्वाद मिल जाए इस विकास यात्रा को, मैं कहता हूं कि 2018 में आने वाला कल जो विकास अभी देख रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा विकास हम करके रहेंगे, ये विश्वास दिला के मैं आपको जाता हूं। आज के ऐतिहासिक स्वागत मैं कभी भूलूंगा नहीं, पूरे नगरवासियों को धन्यवाद देते हुए विशेष तौर से राजेश मूढ़ा जी के लिए ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं, अभिषेक सिंह जी हमारे सांसद जी, राम प्रताप जी हमारे अध्यक्ष वनस्पति बोर्ड, मधुसूदन यादव जी महापौर यहाँ उपस्थित हैं, खूबचंद जी विश्वसूत्री समिति के हमारे उपाध्यक्ष, शोभा सोनी जी, छगन मुंडल जी, संतोष पांडे जी, रामजी भारती, सरोजी बंजारे जी विधायक, नीलू शर्मा जी, लीलाराम भोजवानी जी, वरिष्ठ हमारे नेता सिद्धार्थ सिंह जी, विनोद खांडेकर जी, कोमल जंगेल पूर्व विधायक, संतोष अग्रवाल जी, भरत वर्मा, अश्विनी ताम्रकार, विक्रांत सिंह जी जनपद अध्यक्ष, गिरिराज किशोर जी, अरविंद शर्मा, राजेंद्र पाल भाटिया, रावल कोचर, सावन वर्मा, खम्मन ताम्रकार, ये सारे लोगों ने जो इतनी मेहनत करके आज अभूतपूर्व कार्यक्रम किया, और आप सब 20-25-30-40 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं इस विकास यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत के लिए, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद हम सीधे जुड़ेंगे सामग्री वितरण से। विभिन्न विभागों में हितग्राहियों को विभिन्न योजना अंतर्गत सामग्री का वितरण किया जाना है। इसके अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक धान उपार्जन की बोनस राशि आज मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से टोकन के रूप में 3 लोगों को ये राशि प्रदाय की जा रही है, और इसके साथ ऑनलाइन बाकी सारे हितग्राहियों के खाते में ये राशि आज पहुंच जाएगी। सारे हितग्राहियों से निवेदन है कि कृपया क्रमानुसार मंच तक आने का कष्ट करें। सबसे पहले धान उपार्जन बोनस प्रमाण पत्र हेतु श्री दुधेराम जिन्हें 59,040 रुपए की राशि प्रदान की जानी है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। श्री रतन कुमार 35,880, श्री नेतराम 1,11,000 रुपए धान उपार्जन बोनस राशि का प्रमाण पत्र मंच के माध्यम से इन्हें वितरण किया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि श्री रति राम 32,570 रुपए, श्री मोहन राम 82,946 रुपए और श्री मिलन राम 51,584 रुपए की राशि का वितरण मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री मुद्रा योजना श्री लीलेंद्र यादव 4,00,000 रुपए, प्रेमा चौबे 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम श्री देवेंद्र सिंह राज नवागांव मुतेड़ा 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग खैरागढ़ शहरी आबादी पट्टा योजना हेतु श्री भीषम पिपरिया और श्री कृष्णा ग्राम पिपरिया को ये पट्टा प्रदाय किया जा रहा है। जनपद पंचायत खैरागढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक कोष चेक वितरण जय मां बम्लेश्वरी जय गुड़ादेव समूह ग्राम पिरचा पहाड़ 60,000 रुपए, जय मां नथेला समूह ग्राम कुली कसा 60,000 रुपए, ई रिक्शा श्रीमती दुलेश्वरी ग्राम जोरापराई, श्रीमती रामबाई वर्मा सिरसाही राष्ट्रीय आजीवन ग्रामीण मिशन बैंक लिंकेज चेक वितरण जय मां शीतला समूह
चक्री निधि वितरण, माँ चंडी महिला समूह दिलीपुर, माँ भवानी समूह दहान और माँ बमलेश्वरी समूह पचपेड़ी 4000 रुपए की, प्रधानमंत्री आवास योजना आवास स्वीकृति पत्र ससुरराम कन्हैया, आवास स्वीकृति पत्र वितरण कमलाबाई चंदेल, अपनी ई रिक्शा मनीष कुमार रामस्वरूप कौशल्या, सभी को ये